गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फाइव डिवीजन। देखिए बच्चों, चैप्टर फोर तक हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है चैप्टर फाइव डिवीजन। डिवीजन होते क्या है? देखिए डिवीजन क्या होता है, किसी भी एक चीज को डिवाइड करना यानी टुकड़ों में बांटना। जैसे जैसे एक चॉकलेट है ये, और मैं इस चॉकलेट को टू पार्ट्स में, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक ये और ये क्या है? डिवीजन है। ये क्या है? डिवीजन है। इसी तरीके से देखिए, आपके कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे आपके पास कितने टॉफियां हैं? आपके पास देखिए, मैं ये मानता हूं आपके पास फोर टॉफियां हैं। देखिए आपके पास कितने टॉफियां हैं? फोर टॉफियां हैं, और ये फोर टॉफी आप अपने दो छोटे भाइयों में डिवाइड कर रहे हो। देखो, दो छोटे भाइयों में डिवाइड कर रहे हो। एक भैया क्या है आपका? सोनू है, और एक भैया क्या है? मोनू है। ये फोर ट्रॉफीज है, आप इनको सोनू मोनू में डिवाइड करोगे। देखिए, वन ट्रॉफी सोनू को देनी और वन ट्रॉफी मोनू को देनी। हमने इन दोनों को वन वन ट्रॉफी दे दी। तो अभी हमारे पास कितनी टॉफी बची हुई है? टू टॉफीज और बची हुई है। हमने फिर से एक टॉफी किसको दे दी? सोनू को दे दी, और एक टॉफी किसको दे दी? मोनू को दे दी। तो देखिए, सोनू को भी टॉफी मिल गई और मोनू को भी टॉफी मिल गई। सोनू को कितनी टॉफी मिली? टू। मोनू को कितनी टॉफी मिली? टू। टॉफीज कितनी थी? टॉफीज कितनी थी? फोर। ठीक है, कितने भाइयों में बांटी हमने? कितने बच्चों में बांटी? कितने बच्चे हैं? टू। हर एक बच्चे को कितनी मिली है? टू टू टॉफीज मिली है। यानी जब फोर को डिवाइड किया टू से, तो एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? टू। तो इस तरीके से हम करेंगे। इसके और इसी तरीके हैं, उनसे हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे। देखिए, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, हम डिवीजन कैसे करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से? तो डिवीजन होता क्या है, ये मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को टुकड़ों में बांटना। अब कितने लोग हैं उनके हिसाब से हम बांटते हैं। तो देखिए, इसकी एक्टिविटी है डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सर्किल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थिंग्स ईच टाइम। डिवाइड 12 क्रेयॉन्स अमॉन्ग थ्री चिल्ड्रन। यहां पर देखिए, हमें कुछ ही क्रेयॉन्स दिए हुए हैं, यानी कलर्स दिए हुए हैं। कितने कलर्स दिए हुए हैं? 12 है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 क्रेयॉन्स है। कितने बच्चों में बांटने हैं? 3 बच्चों में, यानी 3 चिल्ड्रन्स में हमें इसको बांटना है। तो ये 3 चिल्ड्रन मैंने बनाए हैं। देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, ये
थ्री चिल्ड्रंस बनाए हैं। तो थ्री चिल्ड्रंस में देखिए, वन टू थ्री, थ्री क्रेयॉन्स मैंने इनको दे दिए, वन टू थ्री दे दिए। ये वन क्रेयॉन दे दिया, ये टू और ये थ्री, ट्वेल्व क्रेयॉन्स थे, थ्री मैंने दे दिए, यानी इसमें से मैंने थ्री कम कर दिए, थ्री सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना आया नाइन। मैंने अभी कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, एक बार, वन टाइम, वन टाइम, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, वन टाइम। फिर मैंने दोबारा इनको थ्री क्रेयॉन्स दे दिए, ये थ्री और दे दिए, ये देखो वन टू और थ्री। अब मेरे पास नाइन क्रेयॉन्स थे, नाइन में से मैंने इनको थ्री फोर दे दिए, अब मेरे पास कितने बचे हैं, सिक्स। ये थ्री मैंने कब दिए, दूसरी बार दिए, यानी सेकंड टाइम दिए, टू टाइम। कितने टाइम दिए हैं, टू टाइम, यानी सेकंड टाइम। अब मेरे पास कितने क्रेयॉन्स बचे हैं, सिक्स। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्रेयॉन्स बचे हैं, इसमें से मैंने फिर तीनों बच्चों को एक एक दे दिया, ये तीनों को मैंने एक एक और क्रेयॉन दे दिया, तीनों बच्चों को एक एक और कलर दे दिया। सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, सिक्स में से थ्री सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, थ्री, और ये कौन सा है, थ्री टाइम, ये थ्री टाइम्स। अब देखो, अब मेरे पास कितने क्रेयॉन्स बचे, वन टू थ्री, थ्री क्रेयॉन्स बचे हैं, ठीक है, ये थ्री क्रेयॉन्स और दे देता हूं बच्चों, मैंने थ्री क्रेयॉन्स और दे दिए, ये वन, ये टू और ये थ्री। देखिए थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर टाइम्स, कितने टाइम दिया, फोर टाइम्स। अब देखिए सारे क्रेयॉन्स मैंने यहां से डिवाइड कर दिए, यानी सारे के सारे क्रेयॉन्स मैं दे चुका हूं, हर एक बच्चे के पास कितना क्रेयॉन आया है, वन टू थ्री फोर, देखिए वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ट्वेल्व क्रेयॉन्स से मैंने डिवाइड कर दिए, हर एक बच्चे के पास फोर क्रेयॉन्स आए, कितनी बार डिवाइड करना पड़ा मुझे, फोर टाइम्स। थ्री बच्चों के लिए कितनी बार डिवाइड करना पड़ा, फोर टाइम। फिर देखिए तीन बच्चों के लिए कितनी बार डिवाइड करना पड़ा क्रेयॉन्स को मुझे, फोर टाइम, यानी ट्वेल्व को थ्री बच्चों में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, फोर टाइम्स। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, फोर टाइम्स, और हर एक बच्चे को कितने क्रेयॉन मिलेंगे, फोर, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स डिवाइड हो रहा है और फोर क्रेयॉन्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, जितना आप डिवाइड करते जाएंगे उतना ही आप इसको सर्किल करते चले जाएंगे। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही देखिए यहां पर 15 बलून्स हैं, देखिए डिवाइड 15 बलून्स अमॉन्ग थ्री गर्ल्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और 15। हमें कितनी गर्ल्स में करना है, थ्री गर्ल्स में। तो देखिए सबसे पहले ये थ्री बलून हमने डिवाइड कर दिए,
अब कितने बलून बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 15 - 3 = 12। अब हमारे पास 12 बलून है, 12 में से फिर हमको 3 कम करने हैं। देखिए 1, 2, 3, ये 3 फिर हमने दे दिए तीन बच्चों को। 12 - 3, 9, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर हमने 3 बलून दे दिए। देखो ये 3 बलून, 1, 2, 3, 9 - 3 कितना बचेगा, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बलून। अब हमने 6 में से 3 बलून फिर दे दिए, ये देखो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 बलून। अब हमारे पास 3 बलून बच गए, 1, 2, 3 बलून, फिर 3 में से हमने 3 बलून फिर दे दिए, 1, 2, 3। तो कितने टाइम्स हमने बलून डिवाइड किए हैं, देखो 1 टाइम, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। कितने किया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 15 / 3 = 5, 15 / 3 = 5। इसी तरीके से देखिए 20 एप्पल्स हैं और 5 बॉयज में हमको इसको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हमने क्या किया, 20 में से 5 एप्पल दे दिए, कितना बचेगा हमारे पास, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 15 हमारे पास बच गए। अब हमने फिर से 5 दे दिए, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 15 एप्पल थे, हमने 5 एप्पल और दे दिए, कितने बचेंगे, 10। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 एप्पल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमने फिर से 5 एप्पल कर दिए, देखिए ये 5 एप्पल, 1, 2, 3, 4, 5, 10 एप्पल थे हमारे पास, 5 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कितने बच गए, 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5, और ये फिर से हमने 5 एप्पल फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 - 5, 0। तो देखो हमने एप्पल्स को कितने टाइम डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, कितने टाइम डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4 टाइम्स। तो 20 / 5 कितना आएगा, 4। 4 टाइम डिवाइड किया है, हर बार 5 डिवाइड किया है, देखो तो कितना आएगा, 4। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये बाकी के क्वेश्चन है, देखिए, डिवाइड 18 कैंडीज अमोंग 6 चिल्ड्रन, डिवाइड 21 पेंसिल अमोंग 7 चिल्ड्रन, डिवाइड 16 टॉयज अमोंग 4 बेबीज। तो ये आप खुद करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन मैंने खुद करके दिखा दिया आपको, एक ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर समझा दिया है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स एंड डिवीजन फैक्ट्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो यहां पर ये टेबल बनाई हुई है, देखिए 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। तो आप यहां देखेंगे 2 3s are 6, यानी 2 और 3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। इसका मतलब क्या हुआ,
6 को 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 6 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहां पर देखिए 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया और 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 के हम क्यों ग्रुप बनाने हैं 1, 2, 3 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितने ग्रुप बने 1, 2, 3 ग्रुप। और जब 6 को 3 से डिवाइड किया यानी 3, 3 के इसको जब डिवाइड किए थे उसको 1, 2 कितने ग्रुप बने हैं 2। तो इसी तरीके से देखिए 2 8s are 16 यानी 16 जो है 2 और 8 का मल्टीप्लीकेशन है। अगर 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 16 जो है 8 टाइम टेबल बोलने पर आता है और 8 की टेबल में 2 टाइम बोलने पर 16 आ जाता है। तो इस तरीके से 8 2s are 16 में 16 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। यहां देख सकते हैं आप 16 2 से डिवाइड किया है 8 आ रहा है और 16 8 से डिवाइड किया है तो 2 आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपको लर्न करना है। इसके बेस पर आपकी एक्टिविटी बी है, तो बी एक्टिविटी में आप देख सकते हैं 3 × 5 = 15 है, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3 आ रहा है और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उसी तरीके से 5 × 6 = 30 है, यानी 30 को जब डिवाइड करोगे 6 से, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 और 30 को डिवाइड करोगे 5 से, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना है 30, 5 6 are 30 और 6 5 are 30। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखिए 6 और 7 6 7s are 42 तो इसमें देखिए 42 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और जब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना है 42। ये मैंने अभी आपको समझाया है, इसी तरीके के ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ऐसी एक्टिविटी सी है आपकी, देखिए 2 × 3 कितना है 6 है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर अभी मैंने आपको टेबल में भी समझाया था 6 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो कितना आएगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। उसी तरीके से देखिए 7 × 5 कितना है 35। अब 35 को अगर 7 से डिवाइड किया तो 5 आएगा और 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 35। तो यहां पर देखिए 35 7 से डिवाइडेड है तो कितना आएगा 5। ये डिवीजन का सिंबल है, ये जो सिंबल होता है डिवीजन का सिंबल है ये, इसको हम इस तरीके से लगाते हैं, एक ऐसे लाइन और एक ऊपर पॉइंट और एक नीचे पॉइंट,
इस तरीके से ये डिवीजन का सिंबल है। और देखिए 54 डिवाइडेड बाय 9, इसका मतलब 54 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 9 डिवाइडेड बाय 54, इसको क्या बोलेंगे 54 डिवाइडेड बाय 9, यानी 54 के टुकड़े किए जा रहे हैं कितनी बार, 9 टाइम्स। तो यहां पर देखिए 9 into 6 कितना होता है 54। अब 54 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9, और 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6। तो यहां पर 54 डिवाइडेड बाय 9 है, कितना आएगा 6। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन ऑन द नंबर लाइन सीखेंगे, तब तक आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको डिवीजन समझ में आ जाए। थैंक यू।